हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सरगुजा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापन जारी किया गया था उस जमा राशि को वापस लेने के लिए एक आवेदन पत्र दिया गया है, उसी आवेदन फॉर्म को भरने की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 10 मार्च 2022 को ICTC और 15 फाइनेंस के अंतर्गत यहाँ पर विभिन्न पोस्ट निकाली गई थी, जो कि स्थान राजमोहनी भवन PG कॉलेज ग्राउंड के पास अंबिकापुर जिला सरगुजा में वॉक इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसे किन्हीं कारणों से निरस्त कर दिया गया है। लेकिन इन पदों पर आवेदन करते समय जो फीस हमने पेमेंट किया था, जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाए थे, उसी राशि को वापस पाने हेतु यहाँ पर इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है। इसी फॉर्मेट को भरकर आपको इनके कार्यालय में जमा करना होगा। अब ये फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इस फॉर्मेट के साथ साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है, तो यहाँ पर बैंक से डिटेल जानकारी आपको देनी होगी, यानी कि एक पासबुक का फोटोकॉपी आपको देना होगा, और पहचान पत्र के रूप में आप यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या अन्य शासकीय कार्ड यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। चलिए अब फॉर्म कैसे भरना है इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आवेदक का नाम यानी कि अपना नाम भरना होगा, यहाँ पर पिता या पति का नाम भरना होगा, और आवेदित पद का नाम, आप जिन पदों पर आवेदन किए थे उन पदों का नाम आपको लिखना है। या भी हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा पदों पर भी आवेदन किए होंगे, तो आपको अलग अलग फॉर्मेट में भरना होगा। जैसे कि आवेदित पद का नाम में आपको भरना होगा कि आप जिन पदों पर आवेदन किए थे, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसका भी नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि अगर मैं 2022 में जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसके आधार पर मैं देखूँ, तो यहाँ पर देखिएगा वैकेंसी की डिटेल दी गई है, या 15 फाइनेंस के अंतर्गत दिया गया है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, MPW, ICTC के अंतर्गत जो दिया गया था, और DIEC के अंतर्गत NHM, NUHM जितने भी पोस्ट थी इसकी जानकारी दी गई है। जैसे कि यहाँ पर ICTC काउंसलर की बात करें, तो यहाँ पर मैंने काउंसलर पोस्ट पर आवेदन किया था, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद आवेदन पत्र का क्रमांक और कोड, यहीं पर आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर आपको क्या भरना है। तो आवेदन का जो क्रमांक था उसे आपको नहीं भरना है, जैसे कि इस वैकेंसी की डिटेल देखें ना, तो यहाँ पर देखिएगा क्रमांक दिया गया है, इसको आपको नहीं भरना है। अब इसकी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने जब पात्र की सूची जारी की हुई थी या उससे संबंधित जितने भी पद निकाले गए थे, यहाँ पर देखिएगा, तो ICTC के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई थी, तो यहाँ पर मैंने एक डाउनलोड किया हुआ है, जैसे कि ICTC काउंसलर, और यहाँ पर देखिएगा तो आवेदन का कोड दिया गया है। यहाँ पर अपना नाम चूज करेंगे और सामने जो भी आवेदन कोड दिया रहेगा उसी को आपको भरना होगा। और ICTC के अलावा और भी जितने भी प्रोग्राम दिए गए हैं उनको क्या भरना है, तो यहाँ पर भी देखिएगा, सबसे पहले कॉलम में दिया गया है क्रमांक, के बाद आवेदन कोड दिया गया है, यहाँ पर अपना नाम मिलान करने के बाद यहाँ पर आवेदन कोड को भरना होगा। तो देखिए, सरगुजा गवर्नमेंट साइट में आपको जाने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं बैंक खाता संख्या, यानी कि यहाँ पर आपका डिटेल दिए थे, तो यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है, यहाँ पर IFSC कोड देना है, और यहाँ पर बैंक शाखा का नाम, और यहाँ पर दस्तावेज संलग्न के आधार पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या अन्य शासकीय कार्ड आपको अटैच करना होगा। इसके अलावा पासबुक का फोटोकॉपी भी आपको सबमिट करना है, और आप जिस डेट को सबमिट करेंगे उसका नाम देना है, और यहाँ पर स्थान का नाम देना है, यहाँ पर अपना साइन करेंगे, यहाँ पर अपना नाम, और यहाँ पर अपना पूर्ण पता भरना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। और आवेदन फॉर्म के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था आपको पहचान पत्र के रूप में आपको इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट एक सबमिट करनी है, इसके अलावा पासबुक का फोटोकॉपी सबमिट करना है।